रॉयल गुजरात न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज भाजपा ने लगाया अहमद पटेल पर आरोप, जिसे देखकर गुजरात राजनीतिक माहौल में मचा हनकंप। जी हां, सीएम विजय रूपानी ने मांगा अहमद पटेल का इस्तीफा, ये देखकर कांग्रेस ने किया अहमद पटेल का बचाव। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कैमरामैन विजेंद्र पासी के साथ रिपोर्टर राहुल पांडे, रॉयल गुजरात न्यूज़ अहमदाबाद। ये दोनों आतंकी भरूच में जिस हॉस्पिटल में काम करते थे, वो कांग्रेस के नेता अहमद पटेल जिसमें करता हरता है, उनकी हॉस्पिटल है। वो पहले वहां ट्रस्टी थे। 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बुलाकर बड़ी धूमधाम से इनॉग्रेशन किया था। वो ट्रस्टी नहीं होते तो ये सब कार्यक्रम उन्होंने क्यों करा? और सब क्लिपिंग जो आज नेशनल चैनल दिखा रही है, उसमें उस कार्यक्रम अहमद भाई पटेल ने ही किया है, ये सबूत है। ये आतंकी पकड़े गए उनके दो दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया या इस्तीफा ले लिया, तो इसका भी क्या संबंध है? शंका के दायरे में है। आप जानते थे या नहीं जानते थे, ये बताना पड़ेगा देश को। कांग्रेस राहुल गांधी जवाब दे कि क्या ताल्लुक है, और देश की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा था, और इसमें ये सब शंका जनता में पैदा हो गई है। और हम डिमांड कर रहे हैं कि अहमद भाई पटेल को राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए, और इस मामले में कांग्रेस और अहमद भाई जनता को स्पष्टता करें। कासिम नाम का एक कथित उग्रवादी 5 महीने तक इको कार्डियोग्राम असिस्टेंट के तौर पर इस अस्पताल में काम करता रहा और फिर इस्तीफा देकर चला गया। उसके इस्तीफा देकर जाने के बाद गुजरात की एटीएस ने उसके आईसिस के संबंधों को लेकर गिरफ्तार किया है, और ये इल्जाम भी उसके उस उग्रवादी पर है कि वो अहमदाबाद में मेगन अब्राहम सिनेगॉग, जो यहूदी धर्म की एक संस्था है, उसको ब्लोअप करने का षड्यंत्र कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपानी अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इस प्रकार के उलझुल बयान कांग्रेस के नेताओं पर लगाने का षड्यंत्र और कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं तब तक शंका की, सो इसलिए आपकी कि अहमद जी ऐसा कह रहे हैं कि मैं इस हॉस्पिटल में नहीं हूं, नहीं मेरी कोई उसमें भागीदारी। मैं कैसे इसे व्याख्यान की करूं मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जग जाहिर है, सब लोगों को, वहां के सब लोगों को पता है कि जो हॉस्पिटल में से आतंकवादी पकड़ा गया है वो हॉस्पिटल में या ट्रस्टी है या भागीदार है या उसकी कुछ ना कुछ नजदीक या उसके मैनेजमेंट के साथ रही है, वो पब्लिक के मुख में आज भी है। लेकिन प्रश्न वहां खड़ा होता है कि एक साल करीबन जिस युवक ने वहां नौकरी की है उसको कौन से आधार पर आपने नौकरी वहां दी गई थी, किस आधार से, कौन से आधार, पूरा डिग्री, किसकी सिफारिश से उसको वहां पर एक साल तक आपने रोजगार दी थी, वो जानना चाहते हैं गुजरात की जनता। एक साल तक करीबन 10 महीने तक उसने वहां नौकरी की, क्या उसकी चाल चलन थी, क्या वो कर रहे थे, क्या उसकी प्रवृत्ति हुई, किसके साथ वो कम्युनिकेशन कर रहे थे, किसके साथ वो बात कर रहे थे, किसको मिल रहे थे, उसको वहां कौन मिलने के लिए आता था, ये सब खुलासा करने की जरूरत है। गुजरात की जनता यही जानना, शंका वही भी ज्यादा जाती है कि धर पकड़ के 2 दिन पहले ही उसको वहां से मुक्त किया जाता है। तो ये सब तो मैं समझ रहा हूँ कि देश हित की बात है। दूसरी बात यह है कि आतंकवादी प्रवृत्ति गुजरात के अंदर कुछ लोग करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कोई आदमी, चाहे कोई भी हो, राजनीति की परछाइयों में रहने वाला आदमी है या चाहे सामाजिक सेवा करता आदमी, वो जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकता, उसको गुजरात की जनता को जवाब देना ही पड़ेगा।